अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक इन अदर व्लॉग। तो भाई कल रात हमारा जो है ना हार्वेस्ट लग गया था, तो वो रात के टाइम लगा था, मैं गया भी नहीं था। तो हमारी जो ज़मीन है वो दरिया के उस पार है, तो रास्ता नहीं है अभी अनाज निकालने का। अब हम कैसे निकालेंगे अनाज? तो इसका हमने जो है ना एक तरीका बनाया है। रास्ता तो अब है नहीं, तो हम जो है ना कश्तियों पर जो है ना अनाज की बोरियाँ वो रखेंगे, और वो जो है रख के इस पार लेके आएंगे, और वहाँ से जो है ना उतार के फिर उनको रखेंगे हम अपने ट्रैक्टर और ट्राली पर। तो मैं अभी आपको वो दिखाऊंगा। तो अगर हमारे यूट्यूब चैनल ज़फ़र लैंड ऑफिशियल में नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और हमारे फेसबुक पेज ज़फ़र लैंड ऑफिशियल को भी फॉलो करें। तो चले मैं अभी आपको दिखाता हूँ आगे का पूरा काम। वो सामने जो ना आपको कुछ नज़र आते होंगे बंदे, थोड़ा मैं जूम इन कर दूँ। ये ट्रैक्टर पे वहाँ से उठा कर जो ना उस साइड लेके आ, वहाँ से भी जो वो अपनी जो ना कश्ती में डालेंगे, कश्ती सीधे आएगी इस पार जो ना हमारा ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ, फिर इधर जो ना हम इस पे लोड करेंगे। तो भाई इसमें लोड आ गया है अभी जो है ना अनाज की बोरियाँ, लेकिन इसमें हम जो है ना कम उठा रहे हैं, क्योंकि ये जो कश्ती थोड़ी छोटी है और जो ना इसमें थोड़ा वज़न भी अनाज में, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा उठा रहे हैं। तकरीबन 10 से 15 जो ना बोरे उठा रहे हैं एक चक्कर में। भाई अभी ये कश्ती जाएगी, खाली जा रही है, अब ये दोबारा जो है ना लोड होके आएगी अनाज की बोरियों की, लोड होके आएगी। अब रास्ता नहीं है तो कोई तो जुगाड़ करना होगा। साठ ना साठी देखी है, पानी में ना ली ना साठे 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 जोर खड़ी जाए। हेलो वाले, ये भाई इसमें पानी आ गया, ये निकालना है। तो भाई ये है कश्ती, सही है, अभी रास्ता नहीं है, अनाज निकालना है, कोई तो जुगाड़ करना है, और हम जो है ना इस कश्ती के ड्राइवर नहीं है, इसलिए हमसे चल ही नहीं रही है। इतना खटा खाया तो मानी भी ना दिनी दो, चाय भी ना दिनी दो, मिट्टी खा नहीं, टाली नहीं पियोवा, मिट्टी खा मिट्टी खा, पर मैं टाल लेगा नहीं, परे भाई तो मैं टाल लेगा ही नहीं, मान मायने की भाई तो तू भर भाई, मैं तो मैं भाई मांग लाया वो बंदे उधर खड़े हुए ट्रॉली के पास, और ये ट्रैक्टर पे अनाज। तो रास्ता नहीं है जाने का, इसलिए हम उठाएंगे अभी कश्तियों पे अनाज। ये कश्तियाँ हैं और ये अनाज है। नाल तो भाई ये अनाज जो है हम ट्रैक्टर पे लेके आ रहे हैं, तो भाई ट्रॉली पे हम इसलिए नहीं लेके आ रहे हैं अनाज, क्योंकि यहाँ पर जो रास्ता है ना वो उसमें इसके नीचे पानी है और रेत है, तो ट्रैक्टर पे 10 या 12 जो है ना बोरे अनाज की लाद कर उस पर हम ला रहे हैं, और वो जो है ना यहाँ पर रख रहे हैं, यहाँ से जो है ना फिर हम कश्ती में लेके जा रहे हैं। तो ये देखिए ये यहाँ पर नीचे पानी है, इसलिए यहाँ पर जो है ना ट्रॉली नहीं चल सकती, खाली ट्रैक्टर आ रहा है। देखिए हमारा इसमें ट्रैक्टर फंस गया था, बड़ी मुश्किल से निकाला हमने अभी। तो भाई अभी कश्ती आ गई है, हम इसमें अभी डालेंगे अनाज। तो भाई कश्ती आ गई, और ये जो ना पानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है, मेरे ख्याल से अभी पानी इसमें बढ़ रहा है दरिया में, तो अभी सूरज भी ढल रहा है। ये 11 बोरे अभी ये हम उसमें जो ना रखेंगे अभी कश्ती में। मैं साला
दुपाल अंत स्कूलो भलो हमारे तो भाई ये जो अभी बोरे हम रख रहे हैं कश्ती में, यहाँ पर कोई मजदूर काम नहीं करता, यहाँ पे खुद करना पड़ता है, अपना काम है खुद करो। बंद कर।